शहर में गल्ला मंडी, झंग सिटी, बखर रोड, सैटेलाइट टाउन, राणा कॉलोनी समेत मुतद्दिद मुकामात पर गटरों को ढक्कन ना मिल सके, जिसकी वजह से लोगों का रात के अंधेरे में गिरकर जख्मी हो जाना मामूली सी बात है। पिंडी मोहल्ला में सड़क किनारे मौजूद गड्ढे को अरसा तराज से ढक्कन रखकर बंद ना किया जा सका। ढक्कन की जगह गंदगी के ढेरों ने ले ली। मुसाफिर अक्सर औकात गिरकर जख्मी हो जाते हैं। ये हमने मुतअद्दिद बार जो है ना कहा है बल्दिया से, तो उन्होंने कोई हमारी रिस्पांस नहीं की और कोई इधर तवज्जो नहीं दी। यहाँ अक्सर बेशतर बड़े नुकसानात हुए हैं। पिंडी मोहल्ला चौक समेत माई छलियांवाला दरबार, धूपसड़ी, लधन शाह, हरमलपुर और गिरदोनवा की बस्तियों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। गटरों के ढक्कन ना होने की वजह से प्लास्टिक बैग, कचरा और जानवरों की आलाइशें इन गटरों में फेंक दी जाती हैं, जिससे सीवरेज पाइपलाइंस भी बंद हो जाती हैं। शहरियों का कहना था कि गटरों के ढक्कन लगाकर न सिर्फ किसी भी नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि सीवरेज के मसले में भी बेहतरी आ सकती है। गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, यहाँ मरे हुए जानवर लोग फेंक जाते हैं, मच्छर ज़्यादा होता है, लोग बहुत तंग हैं, पानी एकदम रुक जाता है, गटर बंद हो जाते हैं। गटरों के ढक्कन बनवाने के लिए लाखों रुपए के ठेके दिए जाते हैं, इसके बावजूद गटरों पर ढक्कन ना होना इंतजामिया की कारगर्दगी पर सवालिया निशान है। चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम की थोड़ी सी तवज्जो से इस मसले का हल निकल सकता है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग।